हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मखाना खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसमें हम कटे हुए बादाम और काजू डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम 10 से 12 किशमिश डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 2 कटोरी फुल मखाने डाल देंगे और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब फुल मखाने रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट को हम ग्राइंडर जार में डाल के इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। ये फूल मखाने का पाउडर हमने रेडी कर लिया है। अब हम पैन में 1/2 लीटर दूध डाल देंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा देर चलाते रहेंगे। अब दूध में उबाल आ गया है, इसमें हम रोस्टेड मखाने डाल देंगे। अब इसमें हम फूल मखाने का पाउडर डाल देंगे जो हमने बनाया था। इसे हम थिक होने तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें 50 ग्राम शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच केसर वाला दूध डाल देंगे। इससे खीर का कलर एकदम सुंदर हो जाता है और खाने में और भी टेस्टी लगती है। अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब मखाना की रेडी हो गई है। गैस को बंद करके हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर ये और भी थिक हो जाएगी। अब इसे हम सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। अब मखाना खीर सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।